मैं सामान पैक करो, हम मुंबई जा रहे हैं। मैं मोहन के बिना नहीं जा सकती। जैसे मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, वैसे मोहन मेरी जिम्मेदारी है, और वो मेरे बिना नहीं रह सकता, और ना ही मैं उसके बिना। कृष्णा मोहिनी सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई गांव वाले जो है वो जबरदस्ती बांध कर तो रख दिया उन्होंने आर्यमान और कृष्णा को, लेकिन भाई यहाँ पर कृष्णा जो है जबरदस्ती का रिश्ता तो जोड़ना नहीं चाहती आर्यमान को, और उसे पता ही है कि आर्यमान की शादी जो है अनन्या से होने वाली, इसीलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई कृष्णा मैं सामान पैक करूँ, हम मुंबई जा रहे हैं। मैं मोहन के बिना नहीं जा सकती। जैसे मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, वैसे मोहन मेरी जिम्मेदारी है, और वो मेरे बिना नहीं रह सकता, और ना ही मैं उसके बिना। कृष्णा जो है घूंघट लेकर इस बार आर्यमान को बचाने के लिए निकली है, और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आर्यमान के कमरे में जाती है आर्यमान को बचाने के लिए। यहाँ पर वो आर्यमान के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जहाँ पर हमें जल्द देखने को मिलेगा कि भाई आर्यमान यहाँ से भागकर निकल जाएगा। और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि आर्यमान के घर वाले, अनन्या के घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज है आर्यमान से, क्योंकि आर्यमान बार बार उन्हें छोड़कर कहीं चला जाता है, बिना बताए चला जाता है, और घर वालों को काफ़ी टेंशन होती है। और इसी बीच यहाँ पर अनन्या के पापा नहीं चाहते कि भाई अब आर्यमान और अनन्या की शादी हो, लेकिन भाई अनन्या चाह रही है कि भाई जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार आर्यमान की शादी कृष्णा से होती है या फिर। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई कृष्णा जो है ये वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से वो आर्यमान को भगाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमान जो है हुलिया बदलता है, अपना कपड़े बदलता है, और इसी बीच यहाँ पर कृष्णा जो है वो आर्यमान को भगा देती है, और यहाँ पर दोनों के बीच थोड़ी बहुत इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों बिछड़ रहे हैं, और यहाँ पर दोनों ही काफ़ी इमोशनल भी दिखाई देंगे। तो वहीं यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई आर्यमान जो है भाग तो जाता है, लेकिन अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गाँव वाले, जैसा उन्होंने कहा था कि अगर इन दोनों की शादी नहीं होती है तो वो कृष्णा की जान ले लेंगे, तो अब आगे देखना होगा कि क्या सच में इस बार गाँव वाले कृष्णा की जान ले लेंगे, या फिर दोबारा से इस बार आर्यमान जो है वो कृष्णा की जान बचा लेगा।